अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में 160 जज है, लेकिन किस वकील को जज बनाना है यह केवल सीनियर मोस्ट 3 जज करते हैं, यानी 3 जजेस का कोलिजियम होता है हाईकोर्ट में, वो तय करता है कि किस एडवोकेट को हाई जज के लिए सिलेक्ट करना है या किस जज किसको जज के लिए रिकमेंड करना है। अब सवाल यह है कि जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में 160 जज है और केवल सीनियर मोस्ट 3 जज ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा एडवोकेट अच्छा है जज के लिए, तो उनको पता कैसे चलेगा? हजारों की संख्या में वकील है, मान लीजिए सीनियर 3 जो 3 सीनियर जज हैं वो केवल क्रिमिनल साइड के हैं, तो बाकी जो सिविल का एक्सपर्ट कौन है, टैक्स का एक्सपर्ट कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट कौन है, सर्विस मैटर का एक्सपर्ट कौन है, कैसे उनको पता चलेगा? मेरा यह मानना है कि जो हाईकोर्ट में केवल 3 जज सिलेक्शन करते हैं उसके बजाय अगर फुल कोर्ट बैठे एक साथ में और फुल कोर्ट डिसाइड करे कि किस एडवोकेट को जज बनाना है, तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा और ज्यादा अच्छी क्वालिटी के एडवोकेट्स भी जज बनेंगे। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज की संख्या है 34, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 और जज, टोटल 34 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जज किसको रिकमेंड करना है वो केवल 5 जज तय करते हैं। अगर ये 5 की बजाय 34 जज एक साथ बैठे, 34 जजेस का इनपुट आए किसी के बारे में, तो स्वाभाविक सी बात है ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। इसलिए मेरा यह मानना है कि ये जो कोलिजियम सिस्टम है हाईकोर्ट में केवल 3 जजों का कोलिजियम है, ये 3 जजों के कोलिजियम की बजाय जब भी एडवोकेट का सिलेक्शन करना हो हाईकोर्ट के लिए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को प्रमोट करना हो हाईकोर्ट के लिए, तो कम से कम फुल कोर्ट मीटिंग होनी चाहिए, उस फुल कोर्ट में डिसाइड होना चाहिए किसको हाईकोर्ट का जज बनाना है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी जो 5 जजेस का कोलिजियम है उसकी बजाय फुल कोर्ट मीटिंग होनी चाहिए, 34 जज एक साथ में बैठे और 34 जज तय करें कि सुप्रीम कोर्ट का जज किसको बनाना है। मेरा यह व्यक्तिगत विचार है, गलत है या सही ये आप तय करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं।